दोस्तों, अगर आप भी जो है ऐसे जॉब की तलाश में हैं तो बिहार स्वास्थ्य विभाग में दोस्तों जो है ऐसे 2656 पदों पर बम्पर दोस्तों वैकेंसी निकल कर सामने आ गया है। ठीक है, और इसमें जो है ऐसे मेरिट बेस पर दोस्तों भर्ती होने वाला है। इसका आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन आपको जो है ऐसे किस तरह से करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल जो है ऐसे बताने वाला हूँ। और यह जो है ऐसे बिहार के सभी जिलों और ब्लॉकों में दोस्तों जैसे भर्ती यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, अगर जो ऐसे आपके आसपास में जो ऐसे जो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है तो उसमें दोस्तों जैसे यहाँ पे भर्ती यहाँ पे होगा। और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके जैसे अगल बगल जो अस्पताल है उसमें जो ऐसे कितना दोस्तों यहाँ पे सीट खाली है। ठीक है, तो आप जो ऐसे सिर्फ इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखते रहिएगा और यह जो वैकेंसी ऐसे मेरिट बेस होने वाला है। तो चलिए दोस्तों जो ऐसे हम पूरी तरह से इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह से क्या यहाँ पे डिटेल्स नोटिफिकेशन में दिया तो हुआ है। दोस्तों इसको अच्छी तरह से समझने के लिए जो है ऐसे ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से, जो कि नोटिफिकेशन तो दोस्तों जो है ऐसे बहुत पहले ही जारी कर दिया गया है, लेकिन जो है फिलहाल दोस्तों इसका ऑनलाइन शुरू हो गया है। और इस पीडीएफ में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जो है ऐसे हॉस्पिटल का यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। लगभग जो है ऐसे यहाँ पे हर यहाँ पे ब्लॉक में दोस्तों जो है ऐसे जहाँ जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ जो है ऐसे दोस्तों यहाँ पे सीट की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें जो है ऐसे आपको डॉक्यूमेंट ज़्यादा यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है, क्वालिफिकेशन इसमें ज़्यादा नहीं मांगा जा रहा है। आपको जो है सिर्फ यहाँ पे 12th पास यहाँ पे दोस्तों आपको होना चाहिए। और इसमें जो है डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो आपको 12th वाला सर्टिफिकेट लगेगा, जातीय आवासीय आय लगेगा। और इसमें जो है ऐसे यहाँ पे DO का यहाँ पे भर्ती हो रहा है, इसीलिए इसमें जो है ऐसे यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग यहाँ पे टेस्ट होगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट में यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग यहाँ पे जो है ऐसे 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपको खोजा जाएगा। और इंग्लिश की अगर वही बात करें तो 30 वर्ड जो है ऐसे यहाँ पे पर मिनट दोस्तों यहाँ पे आपको खोजा जाएगा। यानी समझिए कि यहाँ पे 25 का स्पीड होना चाहिए हिंदी में और 30 का स्पीड होना चाहिए यहाँ पे इंग्लिश में। ठीक है, ये इसका डिटेल्स है। इसको अगर जो है से अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो है से हमारे आसपास यहाँ पे इसमें कितना वैकेंसी है, लगभग जो है से यहाँ पे चार चार के ही यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, लेकिन टोटल जो है से यहाँ पे 2656 पदों पर है। और हो सकता है आपके आसपास में जो यहाँ पे हॉस्पिटल है तो आप जो है से वहाँ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो है से ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है से यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आवेदन करना है। नोटिफिकेशन में दिया हुआ है आपको जो है से इसमें देखिए दोस्तों एक जो है से यहाँ पे संस्था है उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसी पे जो है से यही जो है से वैकेंसी यहाँ पे करवाता है। इसको जो है से विशेष जानकारी के लिए आप जो है से दोस्तों इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसी पर जो है से यहाँ पे वेबसाइट जो दिया हुआ है इस पर जो है से दोस्तों अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और आपको जो है से इस नंबर पे कॉल करके पूछना है कि अभी जो वैकेंसी जो है से हमारे आसपास में है, से आप अपना नाम बताइएगा, उसके बाद जो है वहाँ पे बताएंगे कि आपको खाली है या नहीं। अगर खाली होगा तो वो हाँ जो है से आपको बुलाएंगे और टाइपिंग टेस्ट वगैरह कराएंगे। हो सकता है अगर टाइपिंग टेस्ट में जो है आप अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपको जो है से दोस्तों उस अस्पताल में दोस्तों आपको जॉब दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसका दोस्तों सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है 17,500 से लेकर यहाँ पे 25,000 रुपया तक दोस्तों यहाँ पे जो है सैलरी यहाँ पे रखा गया है। तो अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं तो आप दोस्तों इसमें दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको सारा डिटेल्स जो है से बता दिया है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और भी किसी भी तरह का अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यह जो है पीडीएफ दोस्तों जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है।